सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डेढ़ जी हाँ, इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड कप में। उसके साथ साथ रियलमी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फाइनली एक दो इधर उधर उल्टा पुल्टा अपडेट देने के बाद फाइनली रियलमी 2 प्रो के लिए ऑफिशियल स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपके पास रियलमी 2 प्रो है तो ये वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही नए अपडेट के बारे में। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया और एकदम फ्री है, उसके साथ साथ घंटा भी दबा दो जो भी एकदम फ्री है। सो दैट बींग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। रियलमी, जैसे हम सबको प्रॉमिस किया था कि रियलमी के जितने भी पुराने डिवाइसेस है जो 2018 में लॉन्च हुआ था, मतलब जो सब डिवाइस लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 8 के साथ, विच इज एंड्रॉयड ओरियो के साथ और कलर ओएस 5.2 के साथ, वो सभी डिवाइस में बाई एंड ऑफ जून मिल जाएगा कलर ओएस 6 और उसके साथ साथ एंड्रॉयड 9 विच इज एंड्रॉयड पाई का अपडेट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत डिले हुआ है, रियलमी की तरफ से बोला गया है कुछ कुछ डिवाइस में हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो, मतलब लगभग 20 दिन के आसपास लेट हो सकता है, मतलब ये मिलते मिलते आपका हो जाएगा जुलाई के आसपास। और जहाँ तक रियलमी 2 प्रो का सवाल है, वहाँ पर बीच में एक अपडेट रोल आउट किया गया था सिलेक्टेड कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो जो अपडेट था वो स्टेबल अपडेट नहीं था। उसके बाद रियलमी ने बहुत सारा R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद रियलमी आज ऑफिशियली फाइनली एक ऑफिशियल स्टेबल अपडेट रोल आउट कर रहा है फॉर रियलमी 2 प्रो। मैं आपको वर्षन बता देता हूं, उसका वर्षन होने वाला है RMX101EX_11.A.20। जी हाँ, ऐसा ही आपका कुछ अपडेट है। अगर इसका साइज देखा जाए विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.6 GB का अपडेट है। जी हाँ, मैं ये अपडेट बोल रहा हूँ मैनुअल अपडेट, अगर आप करते हैं तब इसका साइज होगा 2.66 GB। नॉर्मल अगर आपके पास OTA अपडेट आता है तब वो बहुत कम होगा। अभी ये जो OTA अपडेट का जो बात है, ये सबको नहीं मिलेगा, बैचेस में मिल रहा है, तो आपको हो सकता है अभी तक नहीं मिले तो DYD की मिलता रहेगा, मतलब धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी करना चाहते हैं उसका भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। यहां पर आपको मिलेगा एंड्रॉइड 9 विच इज एंड्रॉइड पाई, उसके साथ साथ कलर OS 6 का अपडेट आपको मिल जाएगा ऑन रियलमी 2 प्रो। मैं आपको बता देता हूं एक्जैक्टली क्या क्या नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सिस्टम। कलर OS तो आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड पाई के साथ, नोटिफिकेशन आइकॉन इन स्टेटस बार आपको देखने को मिलेगा, लॉक स्क्रीन मैगजीन देखने को मिलेगा, नया नेविगेशन जेस्चर आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ ऐप ड्रॉयर 2 कलर OS लॉन्चर वो भी आपको देखने को मिलता है, राइडिंग मोड, लाइव वॉलपेपर और सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा आपको May 5, 2019 का। अगर UI में अपडेट देखा जाए, यहाँ पर आपको UI नोटिफिकेशन पैनल पे चेंजेस देखने को मिलेगा, UI ऑफ AI बोर्ड आपको देखने को मिलेगा और अपडेट डिफॉल्ट थीम, वो भी आपको नया थीम आपको देखने को मिलेगा। कैमरा में आपको क्रोमा बूस्ट ऐड कर दिया जाएगा, जो नो डाउट काफी दिन से हम लोग वेट कर रहे थे। उसके साथ साथ HAL3 सपोर्ट आपको मिल जाएगा, नीड टू स्विच टू डेवलपर ऑप्शन, मतलब चलो अगर बेसिक मोड में बोला जाए आपको क्रोमा बूस्ट मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। एप्लीकेशन में देखा जाए यहाँ पर आपको थीम स्टोर मिल जाएगा, जिसके लिए भी हम लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे। उसके साथ साथ एक मार्केट, गेम सेंटर और कम्युनिटी, ये सभी चीज आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूं, अगर बाय डिफॉल्ट आपके पास अपडेट नहीं आया है तब मैं नीचे एक लिंक दे दिया, और लिंक में क्लिक करके आप जा सकते हैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर डाउनलोड वेबसाइट में। वहां पर जाने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब ये जो अपडेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया इसका अपडेट है लगभग 2.6 GB के आसपास। अपडेट करने के बाद, मतलब जनरली वो डाउनलोड फोल्डर में आपका अपडेट होगा या फिर मेमोरी कार्ड हो या फिर फोन मेमोरी, कहीं पर भी ये हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद फोन को आप स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ करने के बाद आप पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को थोड़ा टाइम के लिए प्रेस करके रखो, फोन आपका वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आप वहां पर सिलेक्ट करना सबसे पहले लैंग्वेज इंग्लिश, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं, तो अपडेट करना चाहते हैं, उसके बाद इंटरनल स्टोरेज या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज आप दिखाएगा, मतलब SD कार्ड अगर है तो वहां पर सिलेक्ट करने के बाद आप पूरा वो स्टोरेज को एक्सेस कर पाएंगे, इंटरनल स्टोरेज हो या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज हो। उसके बाद जैसे डाउनलोड फोल्डर के अंदर अगर वो वाला फाइल है, वो डाउनलोड फोल्डर खोल के उस पर जब भी आप क्लिक करेंगे तब भी आप अपने फोन को अपडेट कर पाएंगे। अपडेट होने में लगभग कोई 6 मिनट के आसपास लगभग लगता है, 3 मिनट प्लस 3 मिनट, और उसके बाद आपका फोन अपडेट हो जाएगा। डिटेल जानकारी के लिए मैंने जो लिंक दिया है उसमें क्लिक कीजिए, वहां पर भी आपका डिटेल में लिखा गया है कि कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो गाइज ये काफी अच्छा अपडेट है, तो आपके पास अगर रियलमी 2 प्रो है जल्दी से जाओ अभी जाके अपडेट करो और जरूर से बताओ कि यहां पर कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है। तो गाइज ये था आपका लेटेस्ट अपडेट अबाउट रियलमी 2 प्रो, और अगर आपको इसके अलावा भी इसके बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है, डू राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। उसके साथ साथ रियलमी 2 प्रो का छोड़ के बाकी जितने भी डिवाइसेज है वहां पर अपडेट थोड़ा लेट से आएगा जैसे रियलमी की तरफ से बोला गया, तो आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए वेट कर दीजिए, और वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप का मजा उठाओ। कल है इंडिया अफगानिस्तान का मैच, मतलब चलो तो बिंदास है, हम लोग का अच्छा फॉर्म है।
तो अगर आप मुझे अभी तक मेरे सोशल नेटवर्क में फॉलो नहीं करें, यू कैन फॉलो मी ऑन माई फेसबुक, ट्विटर एंड डेफिनेटली ऑन इंस्टाग्राम, विच इज इंस्टाग्राम स्लैश डैडो 15। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दूसरे दोस्तों में साइन अप फ्रॉम डैडो, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।